हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और सुबह का अभी बज रहा है 11, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने एक कल जो मैं गई थी ना मार्केट, वो वीडियो मैंने शेयर किया है, अभी जस्ट पोस्ट किया है मैंने। तो आप लोग जब तक का ये वाला जाएगा ब्लॉग, तब तक तो वो आप लोग देख चुके होंगे। अभी 11 बजे से पहले सोचा था मैं शूट कर लूँ ये, लेकिन तब तक तो मैं एडिटिंग कर रही थी, सो मैं कैसे शेयर करती भाई, बताइए आप लोग। तो 11 बजे वो वाला वीडियो मैंने मतलब जस्ट अभी पब्लिश किया ही है, और 11 ही बज रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वो देखिए, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, वो 11 बज रहा है, तो जस्ट अभी एक मैंने वीडियो ब्लॉग पब्लिश किया है, ठीक है। तो लग रहा है आजकल मैं क्या कमज़ोर हो गई, क्या मेरा कपड़ा इधर और इधर, कभी इधर खसक रहा है, कभी इधर खसक रहा है, क्या हो रहा है मेरे गले में? देखो, ओ हम कमज़ोर हो गए हैं क्या, पता नहीं। सो गाइस, हाँ ये ब्लॉग मेरा कल रात से चल रहा है, ठीक है। कल रात को मैंने आप लोग से कहा था, आप लोग के साथ मैं अपनी शॉपिंग, समर शॉपिंग शेयर करूँगी, समर शॉपिंग शेयर करूँगी, ठीक है। हाँ ये प्रोनाउंसेशन ठीक था, लोबाल सुन गए तो। लेकिन मैं कल बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। कल एक ही दिन में मतलब पूरा बाज़ार करना, सुबह 12 बजे से निकल के शाम के 5 बजे, 5:30 बजे घर के अंदर एंट्री हुई, फिर रात का डिनर वगैरह ये वो सब बनाना, खिलाना, किचन साफ़ करना और बर्तन साफ़ करना, ये सब करते करते मतलब मेरे पाँव के बहुत दर्द होने लगे, साथ सर में दर्द भी पकड़ने लगा। मैंने कहा अब ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, मैं पीछे नहीं लगती किसी चीज़ के, ये मेरी आदत है, मैं पीछे नहीं पड़ती। तो अभी मैं सारा यहाँ पे अपना मतलब सामान मेरा यहाँ पे पूरा बिखेरा पड़ा है पूरा, ठीक है। और मैं वो आप लोग के साथ वन बाई वन शेयर करूँगी, क्योंकि भाई मैंने कमिटमेंट कर दी थी कि मैं सामान शेयर करूँगी, शॉपिंग शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मुझे शेयर करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ भाई मैं शेयर नहीं करती, मैं बहुत थक चुकी थी। और अभी जैसे मैंने कल के ब्लॉग में आप लोग से कहा ही था कि बहुत सारी चीज़ों से सस्पेंस मतलब खुलने वाला है, तो सस्पेंस क्या है वो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। बहुत बड़ा सस्पेंस है, बहुत भारी सस्पेंस है सच में, मेरी बात का यकीन करना, इसको हल्के में मत लेना और वीडियो लेंदी हो गया गाइस। चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पानी बेटा मेरे लिए ला रहे हो क्या आप लोग? लाओ दो, इस तरह से आइस मत खाओ, बीमार पड़ोगे बेटा, ऐसे मत खाओ। बच्चे घर ही पर है, क्या करूँ? आप लोग को वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? वरना मैं अदरवाइज का पंखा बंद कर दूँ। अरे कुकू कुकू, नहीं बर्फ नहीं, वो जरा फैन ऑफ करो, हाँ फैन ऑफ करो, चेयर पीछे कर लो, एक मिनट अभी हम करते हैं। अरे बाप रे, यहाँ कुकू यहाँ मम्मी को किसी किसी ठंडा सा पानी, ठंडा सा पानी, ठंडा पानी। मैंने बच्चों से पानी मंगाया था भाई, मेरे बच्चे पानी वानी दे देते हैं भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो भाई आप लोग के शहरों में गर्मी क्या है क्या नहीं पता नहीं, हमारे शहर में तो गर्मी है, बहुत ज़्यादा हो रही गर्मी। पानी रख लिया है, धीरे धीरे करके पीऊँगी, ठंडा पानी है। और चलिए हम आपके साथ शेयर करते। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आप लोग से जैसे कहा था कि मैंने समर शॉपिंग करी है, यस बहुत ज़्यादा समर शॉपिंग करी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करी है। तो हो सकता हो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोग शॉपिंग अगर देखना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, चाहे लेंथी हो चाहे कुछ भी, ठीक है। तो वो तो मैं शॉपिंग तो देखो मैं आपके साथ कैसे कट कर सकती हूँ, है ना, वो तो मुझे पूरी शेयर करनी है। तो चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या शेयर किया, सॉरी शॉप क्या शॉपिंग करी है मैंने, वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग भी है, तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रॉसरी की शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं हम अपनी शॉपिंग ये वीडियो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में थोड़ा सा ब्लॉग भी बन चुका है मेरा स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं, सबसे पहले ग्रॉसरी से मतलब शेयर करते हैं, फिर धीरे 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 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो जो मुझे सही लग रहा है कि पहले ग्रॉसरी से मुझे शेयर मतलब स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, पहले ग्रॉसरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है वाई वाई, ठीक है, नाश्ते में
वाई वाई, ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दो पैकेट मैंने ली थी, जिसमें कि आई थिंक 6 पैकेट्स है इसमें, हाँ ये देखो 6 पैकेट्स है, ठीक है। तो ये है वाई वाई, इसको साइड कर लेते हैं फट से। गर्मी भी लगने लगी भाई मुझे, तो मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया आप लोग के सामने, ताकि आप लोग को प्रॉपर अच्छे से आवाज़ आती रहे। और यहाँ पर ग्रॉसरी का, मेरे कहने मतलब ग्रॉसरी मैंने ऐसा चीज़ नहीं लिया है कि आटा चावल ये वो, ऐसा चीज़ नहीं लिया है, ठीक है। लाइट लाइट चीज़ें ली हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वही चीज़ें ली हैं, ठीक है। और ये लिया है पीनट का एक पैकेट, ये देखिए आप लोग, पीनट का एक पैकेट लिया है, ठीक है ठीक है, 500 ग्राम का। तो ये एक पैकेट लिया है मैंने, ठीक है। इसको भी साइड करते हैं हम धीरे से। और यहाँ पर हाँ, ये थोड़ा सा क्या है ना, ये मेरे से थोड़ा सा खुल चुका है, तो इसको बहुत ही संभल के उठाऊँगी, बस एक बार दिखा दूँगी। और ये लिया है हमने साबूदाना, ठीक है साबूदाना। और इसको ऐसे नहीं कर सकते, देखो ये खुल गया यहाँ से, अब ये बहुत वाइट है, दिखाई नहीं देगा आप लोग को। ओ माय गॉड, दाना निकला, ये यहाँ से खुल गया है ना, तो इसको मुझे तुरंत बॉक्स में डालना पड़ेगा। वीडियो का जैसे एंड होगा उसके बाद ये बॉक्स में जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमने ली है शुगर, ये देखिए। और मेरे यहाँ ना शुगर बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा, तो ये शुगर है। शुगर मैंने ये एक्स्ट्रा में ली है, क्योंकि अभी उसमें भी है, बॉक्स में भी है, ये एक्स्ट्रा में ले ली है। अच्छा हाँ, और यहाँ पे मैंने लिए हैं मखाने, ये देखिए ठीक है, मखाने लिए हैं क्योंकि वहाँ मखाने मिल रहे थे। वैसे तो हम पैकेट वाला लाते हैं, लेकिन वहाँ मिल रहे थे तो हमने कहा चलो ले लेते हैं हाथ के हाथ, और फिर एक चीज़ के लिए कौन जाएगा शॉप में, ठीक है। तो ये तो हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग थी, इससे ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं लिया, बस इतना ही लिया था, ये थोड़ा मोड़ा आइटम, चार पांच आइटम लिए थे। हाँ, उसके बाद भाई चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, ये ऐड तो आप सबने सुना ही होगा। तो भाई हमने यहाँ पे लिया है ये पाउडर। अच्छा, मेरे बच्चे ना जो बेबी स्पेशल पाउडर होता है ना, मैं बच्चों को वो वाला पाउडर लगाती हूँ, लेकिन गर्मी जब आती है तो मैं फिर डर्मी कूल पे आ जाती हूँ, सही बता रही हूँ। फेस पे तो मैं वही बच्चों वाला लगाती हूँ, लेकिन मैं बॉडी के लिए डर्मी इसमें आ जाती हूँ, ये लगाती हूँ, ठीक है। मैं गर्मियों में ये प्रेफर करती हूँ, मुझे ये कोई प्रमोशन वीडियो भी नहीं है, ये मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ, ठीक है, कि मुझे ये पाउडर अच्छा लगता है। और सच में ये ठंडा ठंडा कूल है, ठीक है, ये ठंडा ठंडा कूल है, और ये बेस्ट रहता है, इससे दाने घमोरे वमोरे कुछ नहीं होते, सच। अगर घमोरे हो भी रहे हो ना, तो ये बस आप डाल दो, ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे ये बेस्ट रहता है, और ये एक बड़गाऊ के साथ छुटकाऊ फ्री में है। अब फ्री तो को देखो कोई चीज़ ही, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता है फ्री में, कुछ नहीं मिलता, वो इसमें इतना वसूल कर लेते हैं, ठीक है, ये फ्री ही कुछ नहीं है। लेकिन कहने को ना, एक होता ना, इसको बोलते हैं पता है क्या, ब्रेन वॉश बोलते हैं, ठीक है, दिमाग का खेल है ये, एक के साथ एक फ्री, छुटकाऊ बड़गाऊ संग छुटकाऊ फ्री, ये दिमाग का खेल है भाई, ये सब स्ट्रैटेजी है किसकी, किसकी दुकान वाले की, मतलब जिसने इसको बनाया है ये उसकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये भाई मिला है हमें बड़काऊ के संग छुटकाऊ फ्री, ऐसे ही बोलेंगे ना, तो इसको भी साइड करते हैं, वो लिया है हमने। अच्छा हाँ, एक मैंने इनो का पैकेट भी लिया है, ये इनो का है इसमें पैकेट, कभी कदार हो जाता है ना, उसके लिए तो वो लिया है। और बाकी हाँ, अभी हम आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं सूज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए सूज़ लेना था, हालांकि उनके पास सूज़ है, लेकिन फिर भी मुझे सूज़ चाहिए था बच्चों के लिए, तो मैंने बच्चों के लिए लिया है सूज़। और ये मैं तो दूसरी शॉपिंग कर रही थी, ये देखिए बच्चों के डैडी ने लिया है, ये उन्हीं की चॉइस है, ये देखिए ये वॉशेबल है, ठीक है, पूरी तरह से वॉशेबल है, और मुझे वॉशेबल शूज़ सही रहते हैं। मैं क्या बच्चों के शूज़ वगैरह सब वॉश कर देती हूँ अगर गंदे होते हैं तो। और मेरा मेरे केशव की तो आदत क्या है कि अगर उसको जहाँ दिख जाता है कि यहाँ मड है, तो वो वही पैर डालता है, मड में ही उसे पैर डालना है, उसका यही खेल है, ये देखिए। तो ये ठीक है, अच्छा लग रहा ना, पसंद अच्छी है इनकी, तो इन्होंने पसंद किया है, बाकी केशव के पैर देखिए, केशव का ही उसका है, नाप का है। बच्चों के पैर देखो, मेरे बच्चे के पैर कैसे इतने बड़े हो गए, भगवान। और हाँ, नंदिता के लिए ये शूज़ लिए हैं, ठीक है, ये देखिए शूज़ सही रहता है बच्चों के लिए, ये भी वॉशेबल है, पूरी तरह से वॉशेबल है।
और कलर अच्छा है, ये भी इनके डैडी की चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया मैं तो वहाँ थी नहीं। इन्होंने मतलब यही गए थे बच्चों को लेकर उस जगह पर, उस काउंटर पे या फिर उस प्लेस पे ले गए, और इन्होंने बच्चों को पहनाया, उनको हो गया और उनके हिसाब से इन्होंने ले लिया। तो अब ये सूस किनारे कर देते हैं, अब सूस और का कोई सिस्टम नहीं है, कोई खेल नहीं है। हाँ, अब हम आ जाते हैं, ये मैंने लिया है फेस वॉश, ये देखिए, ठीक है, जॉय का लिया है मैंने, एक्टिव फ्रूट बूस्टर, ये देखिए। तो ये हमें मिला, अच्छा हाँ, ये हमें मिला था बाय वन गेट वन, ठीक है, बाय वन गेट वन में था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। सो ये मैंने लिया है दो, आप लोगों को बता दिया है बाय वन गेट वन था, तो जिसके कारण मैंने दो लिया, ठीक है। और इसको भी साइड कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने नंदिता के लिए ये लिए हैं, बैंड लिया है पूरा एक, ठीक है, मुझे कलर्स वगैरह थे अच्छे अच्छे, और मैं नंदिता की चोटी वगैरह बांधती हूँ। बैंड इसके पास तो गाइस बहुत है, नंदिता के पास बहुत बैंड है, बहुत सारे क्लचर्स है, क्लिप्स है, लेकिन फिर भी मुझे ये क्यूटू सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं अपनी क्यूटी पाई के लिए, मेरी कुकू के लिए। ये देखिए, ये मैंने अपनी कुकू के लिए लिया है, ठीक है, मेरी बेटी का नाम मैं उसको प्यार से कुकू बोलती हूँ। अच्छा, एक यहाँ पर मैंने लिया है अपने लिए पाउच, ये देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेकअप के मुझे आइटम रखने होते हैं, और जिसके लिए इस पाउच, ये पाउच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी बड़ा सा है, देखिए इसमें मेरे काफ़ी सामान आ जाएंगे, बहुत सारे मेरे फाउंडेशन हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे फाउंडेशन के जो कलेक्शन है मैं इसमें रख लूँगी, और मेरे ब्रशेस वगैरह है वो मैं इसमें रख लूँगी, और भी जैसे हाइलाइटर्स वगैरह है मेरे वो मैं इस पर रख लूँगी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें, देखते हैं कैसे रखते हैं, क्या कैसे रखते हैं, क्या है सारी चीज़ें। बाकी इसका मुझे ज़िप वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा था, देखो ये ज़िप वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये एक पाउच लिया है, और मेरे पास पहले से भी मेरे पास दो तीन पाउच है, तो मैं उसमें भी अपने सारे मेकअप के सामान रखती हूँ। ये देखिए, तो कैसा लगा आप लोग को ये मेरा प्यारा सा छोटा सा पाउच, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, इसका मुझे प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा, जैसे मुझे अपने मेकअप का, इसमें सारा मुझे अपने मेकअप का ही आइटम रखना है, मेरे को मेकअप के लिए मैं पाउच हमेशा लेती हूँ, तो इसमें वही सब ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। तो ये है एक, ये लिया है, और एक मैंने छोटा सा पाउच और लिया, ये देखिए, ये पिंक कलर का, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें लाइक मैट की जो होती ना डिज़ाइन वो है, देखिए, और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, इसका कलर बहुत प्यारा, और इसका भी मुझे जिप वाला बहुत अच्छा लगा, देखिए, और इसमें भी काफ़ी गहरा है, ये देखिए ना, और इसकी जिप भी अच्छी है, देखिए आप, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ तो मेरा डिसाइडर रहता है कि मुझे करना क्या है इस चीज़ का, ठीक है, गर्मी भी लग रही, मुझे ठंडा पानी पी लूँ। तो मेरा डिसाइडेड रहता है कि मुझे इसमें रखना क्या है, ठीक है, तो ये मैंने लिया है, और इसमें मैं रखने वाली हूँ अपना डेली लाइफ का मेकअप। सभी महिलाएं डेली लाइफ में मेकअप तो करती हैं, ठीक है, लाइक लिपस्टिक और आईब्रोज एंड सिंदूर बिंदी छोटा मोटा सभी करती हैं, ठीक है, मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन, तो मेरा डेली लाइफ का मैं इसमें रखना चाहती हूँ, जो मतलब अभी मैं ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ तो वो थोड़ा मैसी हो जाता है, बच्चे कर देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे वो कर देते हैं, ख़ास तौर पे मेरी कुकू है ना, वो चीज़ें फैलाती रहती है, उसको रहता है कि वो भी मेकअप करे, तो जैसे यूजली लड़कियों छोटी बच्चियों में होता ही है मेकअप का थोड़ा शौक़। तो ये देखिए, मैं इस पर रखूँगी, जो इसको उठा के बस अब ऊपर रख दिया ड्रेसिंग टेबल के अंदर, मैशअप नहीं होगा, ठीक है, इसी से निकाल के मेकअप किया। तो ये है मेरी तैयारी, ठीक है, ये मैंने दो पाउच लिए थे, और हाँ, ये मैंने लिया है, ओह माय गॉड, ये मैंने लिया है वाइप, लिया है फेस वाइप लिया है, ठीक है, इसकी मुझे नीड थी, ये मैंने ले लिया, हालांकि मेरे पास है वाइप लैक्टोकोलामाइन का है, लेकिन मैंने फिर भी ये ले लिया है एक्स्ट्रा में मुझे चीज़ें मैं रखती हूँ हमेशा अपने पास, तो ये चीज़ें हो गई हैं मेरी, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई, हाँ ये चीज़ें तो हो गई। अब मैं आपको फटाफट से कपड़े दिखा देती हूँ, समर के मैंने कैसे कैसे कपड़े लिए हैं वो दिखा देते हैं आप लोग के साथ, ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसके वजह से मैंने बड़ा ही मतलब एकदम लाइट कपड़ा पहन रखा है, जिससे मुझे बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, और कलर भी लाइट है, और इस कपड़े का वेट भी बहुत लाइट है, सच बता रही हूँ,
मुझे ऐसी हल्के हल्के कलर, हल्का ढीला ढीला पहनना बहुत पसंद है। हाँ तो ये मैंने लिया है केशव के लिए, लिया है ये मैंने शॉर्ट्स, ये देखिए ठीक है, ग्रे कलर है, अच्छा लग रहा था मुझे, मुझे ग्रे कलर अच्छे लगते हैं। और फिर अच्छी बात तो ये है कि गंदे नहीं होते हैं जल्दी, और हो भी जाते हैं तो पता ही नहीं चलते हैं, ये देखिए ठीक है। ये ग्रे कलर का मैंने शॉर्ट लिया है केशव के लिए, ये समर मेरी शॉपिंग है। हाँ और एक मैंने ये लिया है जीन्स का, मैंने वो लिया है कैफ्री लिया है केशव के लिए गर्मी पर्पज़ से, ये देखिए जीन्स का कैफ्री है ठीक है, ये लिया है, गर्मी में सही रहती है गाइस, जीन्स वगैरह से तो मुझे कैफ्री सही रहती है, शॉर्ट सही रहते हैं। और हाँ मैंने टी शर्ट ली है, बिल्कुल इसका कलर इतना ज़्यादा कूल है, ज़्यादा कुछ अजीब अजीब ही निकल गया, तो जो इसका कलर है ना बहुत ज़्यादा कूल है, देखिए कितना कूल कलर है, पिस्ता कलर है, और मुझे ये कलर बहुत पसंद है। और ये जो मैं एक आपको एक बता दूँ, ये टी शर्ट इसके इनके डैडी ने पसंद की है, मैंने पसंद नहीं की है, बाद में उन्होंने मुझे दिखाया था तो मैंने कहा था बहुत प्यारा ठीक है, और मुझे ये बहुत प्यारी लगी भी, क्योंकि ये पिस्ता कलर ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये देखिए, और बिल्कुल कूल है, गर्मी पर्पज़ के हिसाब से है टी शर्ट, अच्छी है नाइस। इन्होंने केशव के लिए किया था शॉपिंग, मैंने नंदिता के लिए, अपनी कुकू के लिए आई मीन, एक कलर इन्होंने ये लिया था, ये भी बिल्कुल कूल है देखिए, वो है ना फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका फैब्रिक, एकदम सॉफ्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी बड़ी टी शर्ट है देखिए, एक मुट्ठी में आ रही है, दो मुट्ठी में तो आई गई, एक हाथ में आ गई है मान लीजिए आप, इतना सॉफ्ट है इसका फैब्रिक, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल गर्मी पर्पज़ से ही है। और मेरे केशव की क्या आदत है, वो बिल्कुल भी चुभने वाली चीज़ और बिल्कुल गलने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं पहनता, उसको बिल्कुल कम्फर्टेबल ही होना है, तो ये है, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लगी। तो ये समर ड्रेस की शॉपिंग हो गई। अच्छा हाँ अब नंदिता की तो सारी चीज़ें मैंने ही ली हैं, अपनी कुकू के लिए मैंने ही पसंद किया है सब कुछ, तो ये मैंने वन पीस लिया है गर्मी के लिए, देखिए बहुत ही कूल है, बहुत ही प्यारा सा है, इसकी इसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है, पता है वो आपको नज़र आएगी कि नहीं आएगी, देखिए यहाँ पे चुन बनी हुई है पूरे में, यहाँ पे देखिए ये इसमें भी पूरी चुन बनी हुई, देखो ये अच्छा ना, ये ना ये आपको मैं बता दूँ, इसमें पूरे वाइट बटन लगे हैं देखिए, और ये ओपन हो जाते हैं उसके बाद ही फिर सर जाएगा अंदर ठीक है। ये तो ये मैंने वन पीस लिया है, और इसमें आगे फ्रिल लगी, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये पेट के पास यहाँ पे वेस्ट में ये पूरी फ्रिल लगी है, अच्छी लग रही है देखिए। ये मैंने लिया अपनी कुकू के लिए शॉर्ट्स ठीक है, ये हो गया नंदिता का हो गया, और ये वाली टी शर्ट तो इनके डैडी ने पसंद की थी नंदिता के लिए, एकदम लाइट कलर है ठीक है, देखिए ये समर शॉपिंग है, समर ड्रेसेस हैं बच्चों के लिए, और ये वाली मैंने पसंद की थी, ये मैंने पसंद की है, इसमें एक वो बना है क्या बोलते हैं इसको, सारस होता है क्या होता है, ये देखिए बड़ा प्यारा सा है, और गर्मी गर्मी इतनी है कि पूछो मत, मेरे ख्याल से ये भी गन्ने का जूस ही पी रहा है क्या गर्मी में गन्ने का जूस पी रहा है, ये देखिए ये मैंने पसंद किया, मुझे इसका ये स्लीव्स में ऐसा ना लड़कियों की किसी भी कपड़े में इस टाइप से होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए बड़ा प्यारा सा है, खूबसूरत सा छोड़ा छोड़ा, ये क्या है, बड़ा प्यारा सा है। और इसका जो कलर है एक्चुअली में फ़ोन मतलब इसे फ़ोन में वो आ नहीं रहा है ठीक है, इसका कलर है बिल्कुल कैसा होगा यार, ये बहुत लाइट स्किन कलर का है, अच्छा है आपको समझ में आ जाए तो ना, इस टाइप का है, पानी पिएगा, इस गर्मी हो रही है, फैन ऑफ है बहुत ज़्यादा। हाँ और ये मैंने नंदिता के लिए शॉर्ट्स लिए, ये मैंने अपनी पसंद से लिया है, अच्छा लगा था तो मैंने लिया, कॉल भी आने लगी, ये देखिए एक कॉल आ रही है, इसको कट कर देते हैं। हाँ वो आप लोगों ने देखा क्या, ये कॉल आ रही थी, मैंने दिखाया कि दिखाई, देखिए ये शॉर्ट्स गर्मी के लिए समर शॉपिंग जैसे मैंने बताया, तो ये मैंने पसंद किया था, अच्छा लगा था। अच्छा ये वाली ड्रेस है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुकू के डैडी ने पसंद किया, ये देखिए समर फ्रॉक है,
ठीक है, ये कुकू के डैडी ने पसंद किया, मैंने पसंद नहीं किया, ये उनकी पसंद थी, ठीक है, मेरे पतिदेव जी की पसंद है। और ये भी मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत प्यारी सी ये देखिए डिज़ाइन है, अच्छा लगा काफ़ी, ये है ना प्यारी सी फ्रॉक है, समर फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें दो पॉकेट है नीचे, अगर आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए। व्लॉग लेंदी हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना। ये देखिए दो पॉकेट है, वो अपने खाने पीने की टॉफ़ीज़ वगैरह इसमें रख सकती है, देखिए ये है, ठीक है। और ये हो गई हाँ, और ये जीन्स है ना, ये जीन्स मैंने पसंद किया है कुकू के लिए, अपनी बेटी के लिए। ये देखिए ये फ्लावर्स बना है इसमें ना, अच्छे लग रहे, थ्रेड का है, तो ये मैंने कुकू के लिए पसंद किया है, सिंपल सा। मुझे बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ और डैमेज जीन्स पसंद नहीं आती, मुझे बिल्कुल सिंपल सोवर पसंद आती है, क्योंकि मैं खुद बहुत सिंपल हूँ, इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एडवांस बनने का शौक नहीं है, देखिए इस टाइप से है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने जीन्स पसंद किया है अपनी कुकू के लिए, मेरी कुकू के लिए। थोड़ी सी बड़ी ली है, क्योंकि हर बार ही क्या होता है ना, मैं बड़े छोटे छोटे कपड़े ले लेती हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे मुश्किल से 3 महीने भी पहन पाए, सच में 3 महीना भी मेरे बच्चे पहन नहीं पाते, मैं छोटी छोटी चीज़ें ले लेती हूँ, बाद में फिर मुझे डांट पड़ती है। मेरी सासू माँ बोलती हैं बच्चों के कपड़े बड़े लेने चाहिए, मेरी खुद की मम्मी बोलती हैं बच्चों के कपड़े बड़े लेने चाहिए, तो अब मतलब बच्चों की शॉपिंग कर करके मुझे अब जाके समझ में आया कि बच्चों के कपड़े बड़े ही लेने चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा मतलब लंबे समय तक पहन पाए, ठीक है। और ये जीन्स वगैरह तो ऐसी होती है कि बस इन्हें इनका कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये अच्छी लगी, कुकू के लिए लिया, मुझे पसंद थी। वैसे मुझे जीन्स के लिए तो मैं नहीं गई थी, मैं समर के लिए मतलब समर की फ्रॉक्स वगैरह समर के कपड़े के लिए गई थी, लेकिन अच्छी लगी तो मैंने कहा अच्छी लगी तो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, बाकी बाकी तो यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा दिखाने लायक। हाँ पानी पी लेते हैं, प्यास आई है। ओ गर्मी, अब बहुत तेज गर्मी लग रही है, क्योंकि फ़ैन ऑफ कर रखा है मैंने। सो बस अब ज़्यादा आपसे बातें नहीं करेंगे गाइस, यही थी मेरी समर शॉपिंग, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल से दिखाया है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक छापना और शेयर कर देना आज के इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बच्चों का, बच्चों के हिसाब से किए, मैंने अपनी तो ज़्यादा कुछ करी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है तो मैंने अपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो चीज़ मुझे लग रहा था लेना है वो मैंने ले लिया। तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और हाँ फटाफट से कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन के बेल होती है, नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो ब्लॉग पोस्ट करो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, और लाइक छाप देना, मतलब ऐसे हाथ रखना अंगूठे पे और छाप देना, ठीक है, तगड़े तरीके से छाप देना। चलो मिलते हैं आपसे अपने इसी तरह किसी अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।